गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का खान पान बहुत ही बदल जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे कि माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों का स्वास्थ्य सही रहे। प्रेगनेंसी में दूध पीना भी काफ़ी स्वास्थ्यमंद हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दूध को अगर गलत समय पर गलत तरीके से पिया जाए तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज की वीडियो में मैं दूध के ऊपर बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दिनों में हमें दूध कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, दूध पीने का सही तरीका क्या है, और ये भी मैं बताऊँगी कि जिन लोगों को दूध से एलर्जी है या दूध पीना पसंद नहीं है वो इसका सब्स्टिट्यूट क्या ले सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको फुल नॉलेज मिल पाए। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर इस समय आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रह गई तो बेबी की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगेगा, इसलिए आपको दिन में कम से कम 3 कप दूध ज़रूर पीना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूध में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, एंटासिड, हाइड्रोजन आदि पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इन सारे तत्वों से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। प्रेगनेंसी के समय सही मात्रा में दूध पीने से हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलता है। प्रेगनेंसी के समय बॉडी को बहुत सारे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर इस दौरान शरीर में कैल्शियम की कमी रह गई तो बेबी की ज़रूरत पूरी करने के लिए माँ को अपनी हड्डियों से कैल्शियम देना पड़ता है, या ऐसे बोले कि हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, इसलिए दिन में 3 कप दूध ज़रूर पीना चाहिए। नंबर 2, दूध में हमें प्रोटीन मिलता है। शरीर में कम प्रोटीन होने की वजह से बेबी का वजन कम हो जाता है, साथ ही प्रोटीन से यूट्रस बनता है, इसलिए दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके 1/3 प्रोटीन इसी से मिल सके। दूध में विटामिन डी होता है। विटामिन डी एक अच्छा स्रोत होता है। पूरी तरीके से विटामिन डी ना मिलने से होने वाले बच्चे का वजन कम हो जाता है। दूध पीने से आपके शरीर को 60% विटामिन डी मिल जाता है, इसलिए गर्भावस्था में दूध पीना बिल्कुल अवॉइड ना करें, ज़रूर पिए। नंबर 3, एंटासिड। दूध एक बहुत ही अच्छा एंटासिड माना जाता है। प्रेगनेंसी के समय गले में जलन और गैस की समस्या ज़्यादा होती है, ऐसे में ठंडा दूध बहुत ही फायदा करता है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ठंडा दूध ज़रूर पीजिए और हो सके तो एक बार अपने डॉक्टर से भी ज़रूर बात कीजिए। नंबर 4, दूध पीने से हमारा शरीर हमेशा हाइड्रेट रहता है। इससे शरीर में अगर किसी प्रकार के तरल पदार्थ की कमी होती है तो वह दूध पूरी कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स हैं वो दूध पीने के ऊपर ही इशारा करते हैं, तो आप प्रेगनेंसी में दूध ज़रूर पीजिए। अब बात करते हैं उनकी जिनको दूध से एलर्जी है या दूध डाइजेस्ट नहीं होता या फिर वो प्रेगनेंसी में दूध नहीं पी पाते, तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर पॉसिबल हो तो आप गाय का दूध ज़रूर पीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको एलर्जी है तो आप गाय के दूध की जगह आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आलमंड्स मिल्क ले सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दूध काफ़ी अच्छे होते हैं। आप कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छा होता है। एक बार अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें, वो आपको सही सलाह देंगे। दूसरी चीज़, जिनको दूध से पीना पसंद नहीं है उनको कैसे दूध पीना चाहिए, तो आप ना दूध को 2 बार ज़रूर पिया कीजिए। मैं यहाँ पे दूध को 2 बार पीने का तरीका बताती हूँ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किया था। मेरी प्रेगनेंसी में मैं सुबह दूध पीती थी, जिसमें एक गिलास छोटे गिलास दूध में मैं 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर ज़रूर मिलाती थी। तो मैं अपनी होल प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर वाला दूध ज़रूर पी थी। प्रोटीन पाउडर का दूध जो होता है वो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो डॉक्टर आपको ये प्रोटीन पाउडर ज़रूर लिखते ही लिखते हैं। अगर आपको नहीं लिखे तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर है वो भी आप दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। ये भी कितना अमाउंट में लेना है एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। मैं अपनी प्रेगनेंसी में 1 गिलास छोटे गिलास गर्म दूध में एकदम छोटी चम्मच 1 चम्मच में ड्राई फ्रूट्स पाउडर लेती थी। तो इस तरीके से आप पी सकते हैं दूध, ये काफ़ी अच्छा होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
रात को अच्छी नींद पाने के लिए आप रात को एक गिलास गर्म दूध जरूर पीजिए। ये आपके बॉडी को रिलैक्स करता है। ध्यान रखें कि बॉडी में दो दो चीनी के दाने या गुड़ के दाने जरूर डाल लें। दूध को खाली कभी ना पिए, नहीं तो उससे एसिडिटी बनती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए और अपने कमेंट्स हमें देना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।